स्वागत है आपका Day 3 में इंग्लिश स्पोकन का। 30 दिन का ये दमदार कोर्स चल रहा है और मैंने आपको ली है गारंटी के मैं सिखाकर ही रहूंगा। ध्यान रखना, अगर आप में कामयाबी का जुनून है तो मुश्किलों की क्या औकात, यानी कि आपके अंदर अगर कामयाबी का जुनून है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। इसी प्रकार से ये 30 दिन का कोर्स आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक वीडियो देखना है। मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि आप सीख कर ही रहोगे, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं। आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, आज बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। क्या बोल रहा है? सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस कहाँ की बला है, मतलब ये क्या है? मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हम किसी भी लैंग्वेज में कमांड बनाते हैं ना, तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर वन वोकेबुलरी, नंबर सेकंड ग्रामर। ग्रामर मैं सिखा रहा हूँ, वोकेबुलरी नीचे दी है, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए, फ्री पेड सब कुछ वोकेबुलरी है, बस आपको अपने अंदर जुनून रखना है। चलिए बात करते हैं सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनमें वर्ब नहीं होती। क्वेश्चन ये उठता है वर्ब क्या होता है, तो वर्ब लेना देना, खाना पीना, सोचना समझना, ये सब वर्ब हैं। कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं, मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वर्ब है, आप सुन रहे हैं देख रहे हैं, ये वर्ब है। जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो वो वर्ब होती है, और वर्ब अगर किसी सेंटेंस में ना आए तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं अगर बात करूँ मैं जाता हूँ, जाने में क्या है, वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। मैं ईमानदार हूँ, इसमें बिल्कुल वर्ब नहीं आई है, सिंपल सेंटेंस है। समझ गए ना? जब कभी भी किसी सेंटेंस में वर्ब ना आए, समझ लेना वो क्या है, सिंपल सेंटेंस है। चलिए आज मैं सारे सिंपल सेंटेंसेस आपको सिखाऊंगा, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है और अपने सिंपल सेंटेंस को बनाना है बहुत ही राइट। चलिए सबसे पहले बात करता हूं, मैं आपको 6 बारी बारी से लिखा रहा हूं। सबसे पहला इज आर एम, इज आर एम हैं, हूं, हो के लिए यूज होता है। सेकंड लिखा हुआ है वॉज, वर, था, थी, थे के लिए होता है। थर्ड लिखा हुआ है विल वी, शैल वी, होगा, होगी, होंगे के लिए। फोर्थ है कैन वी, हो सकता है, हो सकती, हो सकते हैं। फिफ्थ है कुड वी, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। और फिफ्थ है और सिक्स्थ है हमारा शुड वी, होना चाहिए। ये 6 के 6 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 6 आपके सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे बहुत ही टॉप। देखिए आपको हिंदी भी दिखाई दे रही है, इंग्लिश भी दिखाई दे रही है, आपको यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जब कभी भी हम कोई भी चीज़ बोलना चाह रहे हैं, जैसे मेरे को बोलना है, अब उसको हिंदी से हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, मैं ईमानदार हूँ, मुझे पता चल गया एंड में क्या लगाया, हूँ। ध्यान से समझिए, जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो आपको एंड में देखना है, एंड में मैंने बोला मैं ईमानदार हूँ, हूँ लगाया, हूँ के लिए क्या है, हूँ के लिए इज आर एम है। पता होना चाहिए एज कब लगता है सिंगुलर, आर कब लगता है प्लूरल, और एम कब लगता है आई के साथ। छोटी छोटी चीज़ आपको पता है, आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार था। अब वॉज वर्ब की बात आ गई, 6 लाइन से लिखाए हैं, 6 लाइन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। मैं ईमानदार था, एंड में था आ गया। दिमाग थोड़ा सा लगाना है और कामयाबी आपके कदमों में होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मैं ईमानदार था, आई वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार होगा, होगा आ गया, कोई बात नहीं, विल बी, शैल बी हमारा बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं आराम से। वह ईमानदार होगा, ही विल बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार हो सकता है, ही कैन बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार हो सकता था, ही कुड बी ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, आपको 6 के 6 बताए और उसमें आपने क्या किया, सिर्फ एंड देखा, दिमाग लगाओ, एंड देखा। आपको क्या करना है, कभी भी कोई सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग, एंड देखते हैं, एंड देखा, देखा हमने ये चीज़ें लगा दिया। जैसे तुम छत पर हो, हो आ गया, क्या लगेगा, इज आर एम, हो आ गया, क्या लगेगा, इज आर एम। तो तुम छत पर हो, यू आर ऑन द रूफ, मैं मैदान में था, था आ गया, क्या लगा दूँ, बताओ बताओ क्या लगा दूँ, वॉज, वर, मैं ईमानदार था, मैं मैदान में था, तो आंसर क्या होगा, आई वॉज इन द ग्राउंड। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ सिंपल सेंटेंसेस हमारी बहुत ही अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंस पे कमांड बनाते हैं तो हम छोटे छोटे वाक्य बोल सकते हैं, जैसे वह एक सड़क पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, क्या तुम ईमानदार हो, आर यू ऑनेस्ट, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, ऐसे बोल देना कई बार, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड।
सिंपल सा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, मैं भी एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ उसको कन्वर्ट करना फास्ट कर लिया है। कन्वर्ट करना अगर हमें फास्ट आता है तो हम आसानी से इंग्लिश को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब मेरे साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, मैंने 6 आपको बताए हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करें और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, उसको कंप्लीट करना है। कुछ नहीं, सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। एक सेंटेंस को हम कितने बार बोल सकते हैं? 6 बार। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके 6 आपको नजर आएंगे, ऐसे आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे वह पागल है, इसको बनाना है, एंड में क्या आ रहा है, लेकिन मैंने 6 सेंटेंस आपको बताए तो 6 बार प्रैक्टिस करनी है। वह पागल है, ही इज मैड, ही वॉज मैड, ही विल बी मैड, ही कैन बी मैड, ही कुड बी मैड, ही शुड बी मॉट, समझ रहे कि नहीं, ही शुड बी मैड, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तुम मैदान में हो, बनाइए फटाफट, बनाइए जल्दी, बनाइए, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, जल्दी बनाइए। तुम मैदान में हो, नहीं बना पा रहे, मैं बताता हूँ। यू आर इन ग्राउंड, यू वर इन ग्राउंड, यू विल बी इन ग्राउंड, यू कैन बी इन ग्राउंड, यू कुड बी इन ग्राउंड, यू शुड बी इन ग्राउंड, मैंने 6 के 6 बना दिए। समझो बात को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग लगाओ, आंसर पाओ। आप जितना दिमाग लगाओगे, जितना फास्ट कन्वर्ट करोगे, उतनी जल्दी आप सीखोगे। एक और लेते हैं जल्दी जल्दी, आप आपकी बार ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन है, वह अध्यापक है, अध्यापक को क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। पहले जल्दी बनाइए ना, कम ऑन, बनाइए बनाइए, नहीं बन पा रहा, चलिए बन पा रहा है, ट्राई करते हैं। वह अध्यापक है, ही इज टीचर, ही वॉज टीचर, ही विल बी टीचर, ही कैन बी टीचर, ही कुड बी टीचर, हो ही शुड बी टीचर, इस तरह से बना सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी सेंटेंस दिया जाए आप तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स विच आई हैव टॉट यू, I will 100% sure that you will be one day a good speaker of English. Okay? तो आज हमने बात की थी डे 3 में सिंपल सेंटेंस की, नीचे मीनिंग दी है, मीनिंग याद कर लो फटाफट, एक एक डे देख लीजिए, 30 दिन में आप ना सीख जाओ तो मेरी गारंटी। इसी के साथ मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।